सो हेलो गाइज, वेलकम टू माई अनदर वीडियो जो जी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? दोस्तों बहुत सारे लोग इस स्मार्टफोन के वेट में थे कि हमें जो है कब तक गैलेक्सी का S11 देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अब जो है एक न्यूज़ निकल कर आ चुकी है और कंफर्म न्यूज़ दोस्तों यहाँ पर हमें देखने को ये मिली है कि सैमसंग दोस्तों अपना नेक्स्ट मॉडल जो है वो लॉन्च नहीं कर रहा गैलेक्सी S11, बल्कि सैमसंग अपने जो है S20 के वेरियंट्स लॉन्च करने वाला है, S20 का जो है मॉडल लॉन्च करने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्हीं स्मार्टफोन्स के फीचर्स के बारे में और इन्हीं स्मार्टफोन्स के रिलीज डेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए, और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको पता है दोस्तों गैलेक्सी की जो एस सीरीज़ है वो इस टाइम वर्ल्ड वाइड जो है लोग इसको यूज़ करते हैं और ये हमेशा टॉप पर रहती है। और इसके अलावा दोस्तों हम बात करते हैं गैलेक्सी S11 जो है वो लॉन्च नहीं हो रहा, यहाँ पर हमें जो है गलेक्सी S20 देखने को मिल जाएगा 5G के साथ। दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है लॉन्च होने वाला है और फाइनली दोस्तों इसकी लॉन्च डेट जो है निकल कर आ चुकी है, Q2 के 2020 में ये स्मार्टफोन लॉन्च हो जाएगा। और दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है हमें 3 वेरिएंट्स में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो है डायरेक्टली उन्होंने जंप करके S11 से S20 जो है लॉन्च करने का फैसला कर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसमें हमें 3 वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे, गैलेक्सी S20, S20 प्लस एंड गैलेक्सी S20 अल्ट्रा। और ये तीनों स्मार्टफोन जो हैं हमें मतलब अपने अलग अलग साइज़ में देखने को मिल जाएंगे। जो गैलेक्सी S20 है वो थोड़ा छोटा है और जो S20 प्लस है वो साइज़ में थोड़ा बिगर है, और जो S20 अल्ट्रा है वो साइज़ में सबसे यानी कि थोड़ा लार्ज है, 6.3 इंच का बिगर डिस्प्ले उसमें हमें देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं यहाँ पर इसके डिज़ाइन के बारे में। तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो डिज़ाइन तैयार किया गया है वो हमें देखने को मिल जाएगा, सेंटर में दोस्तों पंच होल कैमरा हमें इसमें देखने को मिल जाएगा। और बैक की बात करें तो बैक पर दोस्तों आपको जो है क्वाड कैमरा देखने को मिल जाएगा सीधा एक लाइन में जो फिट किया गया है। इसके अलावा दोस्तों ये स्मार्टफोन जो है हमें साइड में कर्व एजेस के साथ देखने को मिल जाएगा और काफ़ी यहाँ पर हमें जो है बेजल लेस एक्सपीरियंस देखने को मिल जाएगा। और बहुत सारे लोग इस वेट में थे कि हमें जो है गैलेक्सी का S11 कब तक देखने को मिल जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपको जो है डायरेक्टली गैलेक्सी S20 जो है वो इंट्रोड्यूस हो चुका है और काफ़ी ज़बरदस्त स्पेसिफिकेशन के साथ ये स्मार्टफोन जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये स्मार्टफोन आपको जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।